हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सब लोगों को हैप्पी होली। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जो है बहुत ही अच्छा लगेगा मेरा वीडियो। मैं कुछ आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, आप किस रंगों का चुनाव करें तो आपको जो है वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि बहुत ही और भी तरक्की मिलेगी। आप जो है इन रंगों का चुनाव कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि फ्रेंड्स पहला रंग है जो मेरा जो है लाल रंग जो जानते हैं हिंदू, उसमें बहुत ही अच्छा माना गया है हिंदू धर्म में। और जो है ये विक्ट्री का प्रतीक होता है। यदि आप प्रॉपर्टीज का बिजनेस करते हैं फ्रेंड्स, तो आप लाल रंग का चुनाव कीजिए, जिसमें आपको बहुत ही तरक्की मिलेगी और बहुत ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। सपोज आप मनी का लेन देन करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड है आपका बिजनेस, आपका कोई प्राइवेट बैंक चलता है, तो आप लाल रंग का रंग यूज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है फ्रेंड हमारे गुलाबी रंग। गुलाबी रंग जो होता है जो उन लोगों के लिए होता है जो कभी भी हिम्मत नहीं आती, कितनी भी विकट या मुश्किल परिस्थितियां हो जाए तो भी वो लोग हिम्मत नहीं आते, उनका कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होता है, इसलिए उन्हें गुलाबी रंगों का प्रयोग कीजिए। आप लाल रंग या किसी भी रंग का, तो होली तो एक ऐसा त्यौहार है कि फ्रेंड्स आप कोई भी रंग यूज कर सकते हैं, पर यदि आप ये रंग से होली खेलेंगे, यदि आप सपोज ये किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में है तो आपको बहुत ही फायदा करेगा, ये वास्तु में सिद्ध हुआ है फ्रेंड्स। फिर हरा रंग जो होता है फ्रेंड स्टूडेंट्स, पत्रकार, वकील और जो है इन लोगों के लिए जो विद्यार्थी लोग हैं उनसे बहुत और ही उनको विद्या में ज्ञान मिलेगा। और जो है वकील हैं, सोचिए वो लोअर कोर्ट के हैं तो हाई कोर्ट में हो जाएंगे और उनको क्लाइंट मिलेंगे, उनको क्लाइंट और जो है उनको जो है सारे केसेस में उनको विक्ट्री मिलेगी, सारे केसेस को वे जीत जाएंगे। तो आप इन सबको आप जो ऐसे लोग हरे रंग का यूज कर सकते हैं, हरे रंग के कलर के साथ होली खेलिए आप लोग। फिर पीला रंग जो है, जो पीला रंग फ्रेंड जो है मेटल को दर्शाता है। यदि आप सोने चांदी के व्यापारी हैं तो आप पीला रंग को प्रयोग कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। जितने भी मेटल से रिलेटेड, स्पेशली जो सोने चांदी के व्यापारी हैं उनको तो मेटल पीला रंग ही यूज करना चाहिए होली खेलने में। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप कोई भी रंग कीजिए, होली तो एक रंगों का ही त्यौहार है, पर यदि आप ये इन रंगों के साथ ये रंग अवश्य लाल रंग से तो सारे ही खेलते हैं, पर यदि सपोज आप सोने चांदी के व्यापारी हैं या जिस चीज को मैं बता रही हूँ वो रंग जरूर यूज कीजिए फ्रेंड। फिर बैगनी रंग, बैगनी रंग जो हमारे ऐश्वर्य को प्रतीक कर ऐश्वर्य का प्रतीक है। यदि आप यश प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बैगनी रंग का प्रयोग कीजिए। यदि आप जो है अच्छे वेल ड्रेस्ड हैं, आप अपने को स्मार्ट टिप टॉप रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जो आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं, तो बैगनी रंग का आप जो है जो फैशन की दुनिया में उन्हें ये रंग का यूज करना चाहिए फ्रेंड्स जो है। और जो है आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, केसरिया रंग भी आप यूज कर सकते हैं। यदि आपको यस है तो केसरिया रंग बहुत अच्छा माना गया, जिसको भगवा रंग कहते हैं। आजकल देखिए जितने भी हैं भगवा रंग तो पूरे हिंदुस्तान विश्व में लहराया हुआ है, पूरे विश्व में चर्च अपना जो है परचम लहराया हुआ है। आप किसी भी रंग का प्रयोग कीजिए, सारे रंग को खेलिए, पर आप कुछ जिन रंगों का आप जिस प्रोफेशन में मैं जो बता रही हूँ फ्रेंड्स, उन रंगों का आप जरूर यूज कीजिए। देखिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको कितना फायदा मिलता है। 22 मार्च को होली है, आप सज्जन खेलेंगे, हम भी खेलेंगे आपके साथ में, बहुत ही एंजॉय करेंगे। होली जो है मतलब बहुत ही अपने बुरे भावनाओं को जो है वो उसको हम लोग जला देते हैं और अच्छी भावनाओं का समृद्धता का प्रतीक होता है। इस प्रकार जो है फ्रेंड्स, मैं और भी एक चीज बता रही हूँ, जो है आप जो है अपने बाहर के गेट को एकदम साफ रखिए, घर को साफ रखिए और वहां पे फूलों से सजाइए, हो सके तो रंगोली बना दीजिए, बहुत ही अच्छा है रंगोली यदि आप बना सकते हैं तो। और जो है फूलों से अपने द्वार को सजा दीजिए, इससे आपको जो है बहुत ही धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी फ्रेंड्स। और जो है जो वास्तु यंत्र है उसको पीले कपड़े पर स्थापित कीजिए और धूप और बत्ती से उसको धूप और बत्ती उसको दिखाइए और सारे घर में धूप बत्ती को दिखाइए और उसको पीले कपड़े पर स्थापना करके उसकी पूजा कीजिए। देखिए आपके घर में किस तरह से लक्ष्मी आती है फ्रेंड्स और किस तरह से आपके घर में सब लोग स्वस्थ रहेंगे, सब चारों तरफ खुशियां होंगी, चारों तरफ से आपको गुड लक, चारों तरफ से आपको खुशियों का समाचार मिलेगा। ये गुड लक आपके लिए है फ्रेंड्स, मैं गुड लक की कुछ टिप्स आपको दी हूँ। इन रंगों का आप उपाय किया, इन रंगों को आप अपनाइए, देखिए कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं और हमारे कमेंट्स में लिख करके बताइएगा। तब तक के लिए आप सब लोगों को हैप्पी होली। आप लोग रंगों के इस रंगों के उत्सव को पूरा मजे से खेलिए, अच्छे से खेलिए, हम भी खेलेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, और जो है आप सब लोगों को हैप्पी होली, बाय फ्रेंड्स।